अरे भैया मेरे को समझ में नहीं आता कि दोनों छोरे कौन सी माटी के बने हैं। ऐसा मारा कि दोनों असूलों को ढेर कर दिया। अच्छा, ऐसे झपके कि हम तो दंग रह गए। ये सब देवों के राजा देवेंद्र इंद्र की कृपा से हुआ। हमें उनकी पूजा की तैयारी करनी चाहिए। अरे सुनो, यशोदा से कहो उनकी पूजा की तैयारी आरंभ करें। मैं अभी आया, आप लोग भी जाकर पूजा की तैयारियां कीजिए। हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ चलो। कभी बाबा से भी पूछ लिया करो। काना बाबा से क्या पूछ लिया करें, मेरा लल्ला तो बस मुझसे ही पूछेगा। और सुन लीजिए ठीक से, मेरे लल्ला और मेरे बीच कभी बताना, मैं कभी देती हूँ। हाँ चल लल्ला, ठीक है, पैसे माखन उतार कर खा लो, पर पहले ये तो बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब तेजराज इंद्र की पूजा के लिए है मोहन। पर इंद्र की पूजा किस लिए कर रहे हो भैया? अरे ऐसा नहीं कहते लल्ला, तेजराज का क्रोध बड़ा भयानक होता है। भैया हम भयानक की पूजा क्यों करें? क्रोध करना तो अच्छी बात नहीं है। ये कैसा भगवान है भैया कि पूजा न करो तो क्रोधित हो जाए? पूजा करना तो प्राणी का कर्म है ना भैया, परंतु पूजा करवाना तो भगवान का कर्म नहीं हो सकता। अजी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? समझाओ इसे। तुम ही समझाओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे कहना के बीच में क्यों आया? वैसे ये बात तो मन लगती कर रहा है। आप पिता हैं पिता, बेटे को समझा नहीं सकते तो ना समझा, पर भड़काओ तो मती। तुम्हारे कान्हा को कोई नहीं भड़का सकता। यशोदा दूसरे लड़के तो केवल गलिये चराते हैं, ये तो सारे नंदगांव को चराता रहता है। बस मैंने कह दिया ना कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। ये पूजा तो पुरखों की दिनों से होती चली आ रही है लल्ला, पूजा बिना तो जीवन ही नहीं। हाँ, जो पूजने योग्य हो उसी की पूजा करो भैया। और पूजने योग्य कौन है लल्ला? हम तो ग्वाले हैं ना बाबा, हमारा जीवन तो गौ से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारे लिए पूजनीय है गौ। वो हमें पीने के लिए दूध और खाने के लिए माखन देती है, तो फिर गौ को पूजो भैया। और गौ का जीवन वनों के बिना संभव नहीं है, वर्णन होंगे तो गैया चरेंगी कहाँ? तो वनों की पूजा करो भैया, जो वर्णन होंगे तो गैया भी ना होंगी। और यमुना की पूजा करो जो हमारे पक्षी को अपना अमृत पिलाती है। और पर्वतों की पूजा करो भैया, जो जाते हुए मेघों को रोककर वर्षा करवाते हैं और जिनके कारण हमारे वन हरे भरे रहते हैं। इन्हें पूजो भैया, बस यही पूजने योग्य है। और हमारे पूजने योग्य है हमारे गोवर्धन पर्वत और इंद्र के क्रोध से मटर भैया, क्योंकि जो पूजनीय होता है वो क्रोध नहीं करता। जैसे तुम मेरे लिए पूजनीय हो और कभी क्रोध नहीं करती। ऐसा मत बोल लल्ला, उनका क्रोध गैस गिराएगा, उनके हाथ में वज्र होता है, उनसे डरो लल्ला। मैं तो नहीं डरता भैया। Thank you.
नर अर्जुन का ध्यान।